शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर को जो अंतिम विदाई दी जाएगी, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैवलकेड है, जो काफिला है, वो शिवाजी पार्क पहुंच रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो इस वक्त बाहर पहुंच चुके हैं अपने डेप्यूटी मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला आकर रुकेगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर के खुद बाहर जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद लता मंगेशकर जी को पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगी। ये इस वक्त पहुंच चुका है काफिला। जी बिल्कुल, ये जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एसपीजी की सुरक्षा में वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और एक ना बड़ा एक तरीके का एक जो संबंध जो एक लता दीदी के साथ प्रधानमंत्री का रहा है, हर बार रक्षाबंधन हो, भाईदूज हो, उस पर उनकी तरफ से उनकी प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेष राखी जाती थी, भेंट जाती थी, प्रधानमंत्री भी उसका उस उपहार स्वरूप उसको रिसीव भी करते थे। कई बार इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया और आज प्रधानमंत्री खुद ये कार्यक्रम में जिस तरीके से वहाँ मुंबई पहुँचे हैं, ये आपको दर्शाता है कि कितना सम्मान और उनके हृदय में लता मंगेशकर जी के लिए। सिर्फ प्रधानमंत्री के दौरान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के पहले से लता दीदी का जो उनसे एक आत्मीय संबंध है, जो राखी का बंधन है, वो देखिए अपनी बहन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क में। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं और अब सीधे वहां पर ये भगत सिंह कोश्यारी को आप देख रहे हैं जो राज्यपाल हैं, वहां पे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी खड़े हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जो शिवाजी पार्क में जो अंतिम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी, वहाँ पर पहुँचेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और साथ ही साथ अपनी श्रद्धांजलि देंगे। कुछ देर पहले आपने देखा था रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम के तरफ से भारतीय फौज के जो फूल वहाँ पर अब चढ़ाए गए, अर्पित किए गए, उनकी श्रद्धांजलि दी गई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क में पहुंच गए हैं और अब सीधे ये परिवार मंगेशकर परिवार के साथ में उनके व्यक्ति हैं और साथ ही साथ आप पीछे भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर वो पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाकी जितने भी वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मिलते हुए। और यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप शिवाजी पार्क से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन वहाँ से लेते हुए, और ये उद्धव ठाकरे से मिले, जो शरद पवार वहीं पर हैं और पीयूष गोयल भी जो हैं वो मंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि अब देंगे, सीधे आपको थोड़ा तस्वीरों को वहाँ पे आवाज़ भी देते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दीदींच्या पार्थिवाला पुष्पचक्र अर्पण करतात। अमर आहे, अमर आहे लता दीदी, अमर आहे, अमर आहे, अमर आहे लता दीदी, अमर आहे। अरे यार रे मित्र, कॅमेरा नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दीदी पुष्पचक्र वाहून आदरांजली अर्पण करतात। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या सासरू न्यायातून आपण सगळेजण व्यक्त करतो, तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटत होतो। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या गारुड वाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से उन्होंने वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी, अब गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अपनी श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित करते हुए और साथ ही साथ वो अब जाके परिवार के लोगों से भी मिलेंगे। वहाँ पे जो इतने सारे जो लोग आए हुए हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए परिवार
परिजनों से मिलते हुए अपनी उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री